हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आया दोस्तों, और ऑफिशियल नोटिस आया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे दोस्तों कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ऑफिशियल नोटिस आ गई दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग जाके देखेंगे फ्रेंड। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिहार हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, वेरियस एग्जाम के लिए कोई भी अपडेट या न्यूज आती है तो अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले सूचना पट यहाँ पर जो दिया गया है इसमें क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग का 3 सितंबर 2020 का 2014 वाली वैकेंसी के लिए और इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। इन नोटिस को जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, उसको PDF को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, पटना है, 3 सितंबर 2020, यानी कि आज का ही नोटिस है दोस्तों। जस्ट अभी अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। लिखा गया है विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन हेतु मुख्य परीक्षा में आयोजन दिनांक आपका 18 अक्टूबर 2020 को संभावित है। देखिए दोस्तों, अभी भी लिखा है संभावित है। अभ्यर्थी को निर्देशित दिया जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप लोग देखते रहें। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2014 का वैकेंसी है दोस्तों, और अभी तक इसका मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिया गया है दोस्तों। 6 साल हो गया है और अभी इसका ध्यान जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम भी लेना है। आपको एक बात बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बिहार एसएससी इंटर लेवल वाली की जो परीक्षा है, इसका PT का एग्ज़ाम भी आपका जब कोई इलेक्शन होता है तब PT का एग्ज़ाम लेता है, एडमिट कार्ड लेता है। इलेक्शन के समय ही आपका जो है इसका रिजल्ट निकलता है PT का, और फिर से बिहार में आपका इलेक्शन हो रहा है तो मेंस का आपका एग्ज़ाम डेट दिया है, वो भी संभावित दिया है, वो भी कोरोना काल में दोस्तों। इसको हो सकता है पोस्टपोन भी हो सकता है और शायद ले भी ले, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड। देखते हैं बिहार एसएससी कैसे लेती है और इसका क्या होता है, मतलब इसका क्या आपका एग्ज़ाम ले पाती है या नहीं एग्ज़ाम ले पाती है। यही आप लोग के लिए एक छोटा सा नोटिस था दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।